मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर आक्षेप लगाते हुए कहा है कि कमलनाथ सरकार केवल तबादलों पर ध्यान दे रही है, वहीं उनका ध्यान किसी भी तरह के अपराध पर नहीं है। सरकार के बनने के बाद से अभी तक लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि उनके मुख्यमंत्री काल में उन्होंने सभी गिरोहों को यहां से सफाया कर दिया था, कई गिरोहों को मार गिराया, वही कईयों को गिरफ्तार कर लिया था, साथ ही कई अपराधी तो मध्य प्रदेश छोड़कर भाग गए थे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात पर प्रहार करते हुए मध्य प्रदेश के कांग्रेस महासचिव योगेंद्र लुम्बा ने कहा है कि जितने तबादले शिवराज सरकार में हुए थे उतने तबादले तो अभी तक किसी भी सरकार में नहीं हुए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार के द्वारा ही निकाली गई रिपोर्ट में मध्य प्रदेश का ग्राफ अपराधों में नंबर एक पर था। तो ये आपको लगता है कि वापस पहले इंदौर में डाकू राज वापस आ गया? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब मैं मुख्यमंत्री बना था उसके पहले अनेकों सूचीबद्ध डकैतों के गिरोह थे मध्य प्रदेश में, और हमने ये तय किया था कि डाकू मध्य प्रदेश में नहीं रहेंगे। एक नहीं अनेकों डकैत गिरोहों का या तो सफाया कर दिया गया था या गिरफ्तार कर लिए गए थे या कहीं मध्य प्रदेश छोड़ के चले गए थे। अब फिर से डकैतों का आतंक पनप रहा है, अपराधी खुलकर खेल रहे हैं, और अब इतनी हिम्मत हो गई कि दिन दहाड़े कट्टा दिखाकर मासूम बच्चों का अपहरण किया जा रहा है। अब हम समझ सकते हैं उन माता पिताओं का हाल और उन बच्चों की स्थिति जो अपहरण कर्ताओं के चंगुल में है। अब इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कोई बात हो नहीं सकती। अगर इस समस्या का तत्काल समाधान ना किया गया तो डकैत फिर खुलकर खेलने लगेंगे और मध्य प्रदेश फिर अभी इस अभिशाप से ग्रसित हो जाएगा। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वो केवल तबादले के फेर में ना पड़े रहें। अब ये मजाक हो गया है, 800 से ज्यादा ट्रांसफर हो चुके हैं और लगातार क्रम जारी है। क्या इससे कोई प्रशासनिक कसावट आती है? अब इस खेल को छोड़कर प्रशासन संभालें, कानून और व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त करें। अपराधियों के इतने हौसले कैसे बढ़ रहे हैं कि खुलेआम दिन दहाड़े अपहरण हो रहे हैं? ये मेरे लिए राजनीति का विषय नहीं है। अगर बच्चों की जिंदगी की भी चिंता हमें, जनता की सुरक्षा की चिंता हमें, और इसलिए मैं मुख्यमंत्री से मिलकर भी ये आग्रह करूंगा कि कानून और व्यवस्था के मामले में आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं। कई बार बड़े सतही ढंग से मंत्री कह देते हैं भाजपा को कुछ ना कुछ, ये ना करें, ये ड्यूटी है उनकी, धर्म है पहला। सबसे पहली चीज है सुरक्षा, उसकी उनको चिंता करनी चाहिए। ट्रांसफर उनके टाइम पे जितने हुए हैं 15 साल में, और यदि उसको इन 4 महीनों के हिसाब से विभाजित कर दें तो आज की तारीख में, और जो उनका आरंभिक कार्यकाल रहा था उस समय उनके 4 महीने के कार्यकाल देख लें, ये तो अभी 2 महीने हुए तो उससे बहुत कम ट्रांसफर हुए हैं। तो ये तो एक हास्यास्पद आरोप है केवल अपने आप को लाइमलाइट में रखने का। और रही बात कानून और व्यवस्था की, कानून और व्यवस्था की स्थिति ये है कि उन्हीं की जो केंद्र सरकार है उसी के क्राइम ब्यूरो के जो रिकॉर्ड है उसमें बलात्कार, महिलाओं से संबंधित, बच्चियों से संबंधित अपराध सहित अनेक अपराधों में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मध्य प्रदेश ने उनमें नंबर एक हासिल किया था। आज की तारीख में अब तक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी उस बात का जवाब नहीं दे पाए। वो केवल अपनी खामियों को छिपाने के लिए इस प्रकार के आरोप मढ़ करके
अपने आप को कहीं ना कहीं पाक साफ साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। और हालात ये हैं, जितने भी अपराध मध्य प्रदेश में अभी प्रमुख तौर पे उनने उजागर किए, शायद उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सहित उनको भी मुंह छुपाने को लाचार होना पड़ा, जब मुख्य चर्चित अपराधों के अंदर उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के लोग उन अपराधों में किसी न किसी रूप में आरोपी के तौर पर सामने दिखे भी हैं और हाल फिलहाल वे साबित भी हो रहे हैं।